माननीय कॉन्सुल जनरल महोदय, माननीय श्री ओझा जी, डिजिटल प्रणाली से जुड़े हिंदी भाषा समुदाय के प्रतिनिधिगण और समस्त प्रतिभागीगण, भारत के प्रधान कौंसुल आवास की ओर से मैं विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी दिवस के मौके पर हम लोग भारतीय समुदाय और जर्मनी में हिंदी भाषा से जुड़े जो लोग हैं उन सबके साथ मिलकर कॉन्सुलेट में एक कार्यक्रम करते आ रहे हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते कॉन्सुलेट में सभी के साथ मिलकर वह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाया है। पर हम जहां पर भी रहते हैं और जिस स्थिति में भी रहते हैं अपनी भाषा और संस्कृति को सजोए रखते हैं और उसको और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रहते हैं। हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी स्थापित है। अनेकों देशों के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए मैं माननीय कौंसिल जनरल महोदय से निवेदन करूँगा कि वो कृपया आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद राम सिंह चौहान जी। जैसा कि आपने बताया, आज हम विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप सब से डिजिटल प्रणाली से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 10 जनवरी को हम हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य न केवल हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, बल्कि हिंदी के प्रति एक जागरूकता पैदा करना और हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना भी है। फ्रैंकफर्ट में स्थित भारत का प्रधान कौंसुल आवास हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोविड वैश्विक महामारी के चलते हम बड़े स्तर पर विश्व हिंदी दिवस नहीं मना पा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इस संदेश के कुछ अंश अब आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावासों और कार्यालयों द्वारा 10 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान के साथ हिंदी ने निरंतर प्रगति की है और आज यह विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। भारत भूमि अनेक संस्कृतियों, भाषाओं व बोलियों की धरा रही है। यह गर्व का विषय है कि यहाँ पुष्पित पल्लवित कला व ज्ञान से संपूर्ण मानवता को लाभ हुआ है। विविधता में एकता की हमारी परंपरा को हिंदी भाषा ने सतत समृद्ध किया है। तेजी से बदलते विश्व में हिंदी पारंपरिक के साथ ही डिजिटल माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक शीघ्रता से जानकारियां पहुंचाना हो या शिक्षण प्रशिक्षण कौशल और व्यवसाय से जुड़े कार्य हो, हिंदी की सरलता और व्यापकता को सभी ने एक नए सिरे से अनुभव किया है। अपनी भाषा को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाते हुए इसके अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करते इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि देश विदेश में रह रहे सभी हिंदी प्रेमी इसके व्यापक प्रचार प्रसार और इससे अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में देश विदेश में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यह था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब के लिए दिया हुआ संदेश। इसके साथ ही मैं आपको फिर से हिंदी दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमें कुछ जर्मनी में जो लोग हैं जिनको हिंदी आती है और जिनका हिंदी के प्रति बहुत ही प्रेम है, उनके कुछ संदेश मिले हैं। मैं अपनी सहयोगी मृदुला जी से निवेदन करूंगा कि वो ये संदेश आपको प्रेषित करें। नमस्कार,
विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन। जैसे कि मेरे सहयोगी श्री राम सिंह चौहान जी ने बताया कि हमें अहिंदी भाषा बोलने वाले, यहाँ पर जर्मनी में रहने वाले बहुत सारे लोगों से हमें एक संदेश प्राप्त हुआ है हिंदी के प्रति, और जो दर्शाता है हिंदी के प्रति उनका प्यार, भारत के प्रति उनका प्रेम। सबसे पहले हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा, उनका नाम है श्रीमती हाइडी पांडे जी। वो पूर्व पत्रकार रह चुकी हैं और हिंदी और जर्मन की अनुवादक हैं। वो बहुत सालों से अपने पति डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे जी के साथ हिंदी की सेवा में संलग्न हैं। नमस्ते, मेरा नाम हाइडी पांडे है। मेरे जीवन में हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पांडे जी से मेरी भेंट हुई तब मैं फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ती थी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिवार के सदस्य, वे भारत में हो, अमेरिका में या जर्मनी में, वे हिंदी भाषा के माध्यम से जुड़े रहते हैं। भारत में मेरी हिंदी की जानकारी बहुत काम आती है। मुझे हिंदी बोलते हुए सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। संबंध बनाने और रखने का माध्यम भाषा ही है। हम लोगों की इच्छा है कि इसमें वे लोग भी शामिल हों जिनको हिंदी नहीं आती, इसलिए हमने कई हिंदी उपन्यासों और कहानियों का अनुवाद जर्मन में किया है। हिंदी हमेशा ऐसी भाषा रही जो भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए मनुष्यों को जोड़े। ये इस विश्व हिंदी दिवस पर मेरे शुभ कामना है। धन्यवाद। अगला संदेश में प्राप्त हुआ है श्री यॉर्क टीबस जी के द्वारा। वो फेस टीम लीडर हैं, वीट कंट्रोल बायर कंपनी में काम करते हैं। ये बहुत बार भारत जा चुके हैं। हिंदी साहित्य के प्रति, न केवल हिंदी भाषा बल्कि हिंदी साहित्य के प्रति और भारत के प्रति तो है ही, इनका अगाध प्रेम है। नमस्कार, मेरा नाम यॉर्क है। मैं जर्मनी में रहता हूँ। हिंदी भाषा मुझे बहुत पसंद है। भारत में हिंदी बोलकर मैं बहुत दिलचस्प लोगों से मिल चुका हूँ। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुजान शार्पर कई वर्षों से हिंदी सीख रही हैं और माइस विश्वविद्यालय में ये व्याख्याता के रूप में काम करती हैं। डच से जर्मन की अनुवाद को भी सिखाती हैं और फ्रैंकफर्ट के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दुभाषिया और एक अनुवादक के रूप में काम करती हैं और कई सालों से भारत जा रही हैं अपनी हिंदी को और अच्छी करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम सुजान शार्पर है। मैं जर्मनी से हूँ और फ्रैंकफर्ट सिटी में रहती हूँ। हिंदी भाषा से मुझे प्यार है। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अलेक्जेंडर हॉफमान भारत में 5 वर्ष रह चुके हैं, जब वो बहुत ही कम उम्र के थे, और भारत से जर्मनी आने के बाद उन्होंने KFW बैंक में काम करना शुरू किया और यहाँ पर भी इनका काम जो है वो भारत के ऊपर ही केंद्रित है। और वो बस कोरोना महामारी के अंत होने का या स्थिति को थोड़ी सी और सुधरने का इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द भारत वापस जा सके। नमस्कार, मेरा नाम एलेक्स है। जर्मनी में मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, लेकिन मैं भी 5 साल के लिए भारत में रहता था। इसलिए क्योंकि भारत मेरा प्यार है, मैं हिंदी सीखता हूँ। हमेशा हिंदी क्लास मुझे मज़ा आता है। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर देर सारी शुभकामनाएं।
श्रीमती डालिया ब्लाउ किंडरगार्टन में एक शिक्षिका हैं और भारत की फिल्मों के प्रति इनका बहुत प्यार है। भारत के गाने इनकी जबान पे चढ़े रहते हैं और हिंदी से तो इनका प्यार है ही। नमस्कार, मेरा नाम डालिया है। मैं जर्मनी में रहती हूँ। हिंदी भाषा मुझे अच्छी लगती है। भाषा हिंदी दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आदरणीय कौंसुल जनरल महोदय, जर्मनी में उपस्थित हिंदी भाषी समुदाय के प्रतिनिधिगण और हमारे प्रतियोगीगण जिन्होंने हमारे काव्य निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक बहुत ही खुशी की बात रही कि सबका बहुत ही उच्च स्तरीय प्रदर्शन रहा। मैं आपका इसके लिए पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप जरूर ही अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं जो कि कभी न कभी आपकी मातृभाषा रही है या नहीं रही है, परंतु हिंदी के प्रति आपका ये प्रेम यह प्रदर्शित करता है कि आपने इसमें कितने ही हृदय के साथ इसमें सहयोग किया है। इसलिए आप सचमुच अलग से हमारे धन्यवाद के भागी हैं। हिंदी दिवस का ये आयोजन हर बार हम लोग तरह तरह तरीके से करते थे और विभिन्न किस्म के प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, परंतु इस बार वैश्विक महामारी की वजह से यह आभासी माध्यम से जुड़े हुए जो लोग हैं और उसी माध्यम से हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं पुनः इस पर जोर देना चाहूँगा कि हिंदी जो कि हमारे सबसे बड़ी संपर्क भाषा है और आज न सिर्फ भारत बल्कि भारत से गए हुए लोग जो कि पूरे विश्व में जगह जगह पर हैं, खास करके मैं सुरीनाम, मॉरिशस इत्यादि देशों का नाम लेना चाहूँगा, कैरेबियन द्वीप समूह में कुछ द्वीप समूहों का नाम लेना चाहूँगा जहाँ की यह एक बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरी तरीके से हृदयंगम कर बोली जाती है। हिंदी भाषा का विकास जो कि 1975 के नागपुर विश्व हिंदी सम्मेलन में एक संकल्प के तौर पर शुरू हुआ था और आज अपने विश्व में जो हमारा प्रयास रहा है उसके फलस्वरूप बहुत ही उचित विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस सब के लिए वो सारे समुदाय हमारे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसके लिए सतत प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त मैं उन लोगों का अलग से धन्यवाद करना चाहूँगा जो हिंदी भाषी हैं, इसके बावजूद उनका हिंदी का प्रेम उनको हिंदी सीखने के प्रति प्रेरित करता रहा और उनके द्वारा भेजे गए इस अवसर पर संदेश हमें एक अलग ही महत्व और प्रोत्साहन देते हैं। ये वो व्यक्ति हैं श्रीमती हाइडी पांडे, श्री अलेक्जेंडर हॉफमान, सुश्री डालिया ब्लाउ, श्री योर्क टीबस और सुश्री सुजान शार्प। ये जर्मनी में बसे हुए वो लोग हैं जिनका संदेश इस अवसर पर हमें प्राप्त हुआ है और मैं साधुवाद देता हूँ और साथ ही उनका मैं धन्यवादी हूँ उनके इस प्रयासों के लिए। और अंत में मैं सभी प्रतियोगियों को पुनः मैं उन्हें शुभेच्छा करता हूँ और ये कहता हूँ कि भाग और हिस्सेदारी लेना बड़ी चीज़ है। जीत और हार और प्रतियोगिता में सफल और असफल होना एक अपनी जगह है, परंतु आपका हिंदी के प्रति प्रेम और इसके प्रति उत्कट इच्छा ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। धन्यवाद। धन्यवाद।